यूक्रेन में फंसे तलबा को बचाना अव्वलीन तरजीह, सुप्रीम कोर्ट। यूक्रेन में फंसे तलबा को बचाना अव्वलीन तरजीह, सुप्रीम कोर्ट। यूक्रेन में फंसे तलबा को बचाना अव्वलीन तरजीह, सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने हिंदुस्तानी तलबा को मुल्क वापस लाने समेत मुतअद्दिद मतालबात वाली अर्जियों पर समाअत की। मरकज को हेल्पलाइन शुरू करने की हिदायत। तलबा को बचाने को अव्वलीन तरजीह करार दिया। एन वी रमना का तबसरा। हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। यूक्रेन में फंसे तलबा को बचाना अव्वलीन तरजीह, सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने हिंदुस्तानी तलबा को मुल्क वापस लाने समेत मुतअद्दिद मतालबात वाली अर्जियों पर समाअत की। मरकज को हेल्पलाइन शुरू करने की हिदायत। तलबा को बचाने को अव्वलीन तरजीह करार दिया। एन वी रमना का तबसरा। हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने हिंदुस्तानी तलबा को मुल्क वापस लाने समेत मुतअद्दिद मतालबात वाली अर्जियों पर समाअत की। मरकज को हेल्पलाइन शुरू करने की हिदायत। तलबा को बचाने को अव्वलीन तरजीह करार दिया। एन वी रमना का तबसरा। हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। नई दिल्ली, अहमदुल्ला सिद्दीकी। रूस की जारहियत के नतीजे में यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा और शहरियों को निकालने में पेश आ रही दुश्वारियों और इस मामले में हुकूमत के ताखीर से उठाए गए कदम पर सख्त तनकीद के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए तश्वीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने इस सिलसिले में मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर समाअत की, जिनमें यूक्रेन में फंसे तलबा को मुल्क वापस लाने समेत मुतअद्दिद उमूर पर हुकूमत को हिदायत देने की दरख्वास्त की गई। वाज़ह रहे कि गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस एन वी रमना ने अटारनी जनरल के वेणुगोपाल से कहा था कि कर्नाटक की तालिबा फातिमा आहाना की अर्जी पर इकदामात किए जाएं। दरख्वास्त गुजार फातिमा ने कहा था कि रोमानिया की सरहद पर
250 तलबा फंसे हुए हैं, जिनमें से बेशतर लड़कियां हैं। आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दरख्वास्त गुजार से राबिता किया है जो यूक्रेन की सरहद पर फंसी हुई हैं। तलबा अब रोमानिया उबूर कर चुके हैं और उन्हें दीगर अफराद के साथ आज रात खुसूसी परवाज के ज़रिए हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। एक दीगर अर्जी में यूक्रेन में फंसे तलबा की वतन वापसी तक हुकूमत से तिब्बी सहूलियात, रिहाइश और खाने के इंतजामात करने का भी मतालबा किया गया। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन में तिब की तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम के इंतजामात किए जाएं ताकि उनका करियर ख़राब न हो। वकील विशाल तिवारी ने भी सुप्रीम कोर्ट में मफाद आम्मा की अर्जी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने विशाल तिवारी से अखबारों का कट पेस्ट बनाकर दरख्वास्त दायर करने पर एतराज़ किया। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि ये अफसोसनाक सूरत हाल है। फिलहाल तश्वीश ये है कि तलबा को किस तरह बचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तलबा की सूरत हाल पर तश्वीश का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तलबा को यूक्रेन से निकालने के मामले को ज़ेरे इल्तवा रखेगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में कोई समाअत न करें। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से एक ऑनलाइन हेल्पलाइन शुरू करने की हिदायत दी। ताकि रियासती हुकूमतों और मुतासरा लोगों को मालूमात मिल सकें। चीफ जस्टिस ने तबसरा करते हुए कहा, ये बदकिस्मती की बात है कि हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, जहां नौए इंसानी जंग लड़ रही है और लोगों को कत्ल किया जा रहा है। और मैं जानता हूं कि तनाज़ात को बातचीत से हल किया जा सकता है। बदकिस्मती से इन मसाइल में हमारा कोई किरदार नहीं है। इस वक्त तश्वीश तलबा को बचाने की है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी कि रियासती हुकूमतों के वकला को ये इत्तला दें कि वो हाई कोर्ट को बताएं कि इस सिलसिले में दरख्वास्तों की फहरिस्त बंदी न करें, क्योंकि कोर्ट पहले ही इस मामले की समाअत कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतें दोनों
तलबा से राबता करने की कोशिशें कर रही हैं। अटारनी जनरल ने कहा कि हुकूमत भी अदालत की तरह ही फिक्रमंद है। चीफ जस्टिस ने इसके जवाब में कहा कि हम हुकूमत के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें उन वालिदैन की फिक्र है जिनके बच्चे अब भी फंसे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की तरफ से दाखिल की गई रिपोर्ट का भी नोटिस लिया, जिसमें कहा गया है कि जंग ज़दा यूक्रेन में फंसे हुए 17,000 हिंदुस्तानियों को अब तक निकाला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा, हम मरकज की तरफ से उठाए गए इकदाम की तारीफ करते हैं, इस पर अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। अब आइए देखते हैं इस खबर में इस्तेमाल होने वाले कुछ अल्फाज के मानी। तलबा स्टूडेंट्स, अवलीन पहली, तरजीह प्राथमिकता, सरबराही नेतृत्व, मुतअद्दिद अनेक विभिन्न, समाअत सुनवाई, मरकज़ केंद्र, हिदायत निर्देश, तबसरा टिप्पणी, तारीख इतिहास, जारहियत अक्रामकता, शहरियों नागरिकों, दुश्वारियों कठिनाइयों, ताखीर देरी, कदम उपाय, तनकीद आलोचना, वाजह रहे ज्ञात हो स्पष्ट हो, गुज़श्ता रोज़ विगत दिवस, तालिबा छात्रा, दरख्वास्त गुज़ार आवेदन करता, बेशतर अधिकांश, मरकजी वजीर केंद्रीय मंत्री, राबिता संपर्क, सरहद सीमा, उबूर कर चुके पार कर चुके, दीगर अफराद अन्य व्यक्तियों, खुसूसी परवाज़ विशेष उड़ान, वतन देश, तिब्बी सहूलियात चिकित्सा सुविधाएं, रिहाइश ठहरने, इंतजामात प्रबंध, मतालबा मांग, तिब की तालीम चिकित्सा शिक्षा, इंतजामात व्यवस्थाएं, मफाद आम्मा की अर्जी जनहित याचिका, एतराज़ आपत्ति, अफसोसनाक सूरत हाल दुखद स्थिति, तश्वीश का इजहार किया चिंता व्यक्त की, ज़ेर-ए-इल्तवा पेंडिंग, रियासती हुकूमतों राज्य सरकारों
मुतासरा प्रभावित, मुतासरा प्रभावित, मालूमात जानकारियाँ, मालूमात जानकारियाँ, नौ इंसानी मानव जाति, नौ इंसानी मानव जाति, तनाज़ात को विवादों को, तनाज़ात को विवादों को, मसाइल समस्याएं, मसाइल समस्याएं, किरदार भूमिका, किरदार भूमिका, वकला वकीलों, वकला वकीलों, फहरिस्तबंदी लिस्टिंग, फहरिस्तबंदी लिस्टिंग, मरकज़ी हुकूमत केंद्र सरकार, मरकज़ी हुकूमत केंद्र सरकार, फ़िक्रमंद चिंतित, फ़िक्रमंद चिंतित, वालिदैन माता पिता, वालिदैन माता पिता, जंग ज़दा युद्ध प्रभावित, जंग ज़दा युद्ध प्रभावित, इकदामात की उपायों की, इकदामात की उपायों की,